नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही लोकप्रिय चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में लहसुन के उन उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन उपाय के तहत आप माता लक्ष्मी जी की सही साधना करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट की वजह से बहुत परेशान थे, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, धन आ नहीं रहा था, आपकी किस्मत को ताला लग चुका था, तो मान के चलिए लहसुन वह चाबी है जो आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। दोस्तों, लहसुन तांत्रिक गुणों में सबसे उत्तम मानी जाती है। आयुर्वेदिक भाषा में देखा जाए तो लहसुन अपने दम पर कई तरीके के रोगों को जड़ से खत्म कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लहसुन के सही तरीके से उपाय करके माता लक्ष्मी जी के सामने प्रार्थना करते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी को आपको आशीर्वाद देना तय है। सरल भाषा में समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी के सामने सही तरीके की साधना करेंगे तो माता लक्ष्मी जी तुरंत आपको आशीर्वाद दे देंगी। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं जिनके सामने हल्की सी साधना अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो माता लक्ष्मी जी तुरंत उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाती हैं, और सही साधना अगर आपने सिद्ध कर दी तो माता लक्ष्मी जी के माध्यम से दोस्तों आपके जीवन में चल रही समस्याओं का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके समस्या चल रही है जीवन में और आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं वो भी लहसुन के माध्यम से, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, तो इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि लहसुन में इतनी क्षमता होती है कि अगर आपके घर पर किसी व्यक्ति ने काला जादू या तांत्रिक विद्या करवा रखी है और वह चाहता है कि आपके घर में हमेशा समस्या बनी रहे, तो लहसुन के माध्यम से आपके ऊपर जो काला जादू कराया गया है वह पूर्णतः खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से देखा गया है, सुख समृद्धि, स्नेह, प्यार, धन, दौलत की प्राप्ति करने के लिए तांत्रिक लोग जो होते हैं वह लहसुन का ही प्रयोग करते हैं। मतलब आपको बता दें, अगर आपके जीवन में परेशानी है, कष्ट है, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा, आप घर पे आते हैं, रोज लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, तो मान के चलिए अगर आप मेहनत जहां भी कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं वहां आपकी निरादर की जाती है, आपको इज्जत नहीं मिलता है, तो ये मान के चलिए कि आपके जो ग्रह हैं वो आपके साथ नहीं दे रहे हैं, अर्थात आपके तारे जो आपके साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो उपाय इस वीडियो में बताया जाएगा वह ऐसे उपाय हैं जिनमें आप एक पैसा का खर्च नहीं लगेगा आपका, परंतु इन उपाय करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद देना तय है। दोस्तों, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो चाहे बड़े बड़े ज्योतिष, हर किसी ने यही बताया है कि लहसुन एक ऐसी औषधि है जो लोगों के जीवन में कई तरीके की समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कोई टोटका नहीं है बल्कि यह एक उपाय है, एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दूसरे तरीके से देखा जाए तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं रहेगी और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। दोस्तों, धन दौलत की वर्षा खुद माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर करेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय लक्ष्मी माता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी जी को सीधा प्रसन्न कर रहे हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी नहीं दिखाई देगी, ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो चीज़ आपके जो रसोई घर होता है उसी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा आपके रसोई घर में काफ़ी ऐसे सामान होते हैं जिनकी सही तरीके से अगर उपाय किया जाए तो काफ़ी लाभ आप अपने जीवन में पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके घर में लहसुन तो ज़रूर होगा, आप अगर अपने किचन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लहसुन ज़रूर दिखाई देगा। इसी प्रकार से दोस्तों, हम बता दें कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी भगवान को समर्पित होती है। इसी प्रकार से जो हल्दी होता है वो भगवान विष्णु जी को अर्पित किया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सरसों का तेल भगवान शनि देव जी महाराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं हम बता दें कि जो लहसुन होता है उसका उपयोग माता लक्ष्मी जी की साधना के लिए किया जाता है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिएगा
कि कभी भी आप किसी पंडित को पकड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजर को पकड़ते हैं, किसी भी ब्राह्मण को पकड़ते हैं और उनसे पूजा करवाते हैं, मतलब आप अपने अच्छे के लिए पूजा करवाते हैं, तो वो उसका सीधा लाभ आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन आप अगर यह उपाय खुद करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, तो इसका सीधा लाभ आपको मिलेगा, आपके जीवन में चल रही समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। माता लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए केवल और केवल आपको जो करना है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, इस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार अगर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलना तय है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल में कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय लक्ष्मी माता। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय जो करना है वह करना यह है कि शाम के वक्त आपको 7 बजे के करीब और सूर्यास्त के बाद अपने घर पर माता लक्ष्मी की जो आपने फ़ोटो रखी है, जो चित्र रखा है, उसके सामने बैठकर एक घी का दीपक जलाना है। बहुत ध्यान दीजिएगा, जो घी का दीपक होना चाहिए वह एक लाल कपड़े के ऊपर आपको जलाना है और उसी दीपक के पास आपको लहसुन पकड़ के माता लक्ष्मी जी के चरणों को छुआना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप माता लक्ष्मी जी के चरणों को, उस लहसुन को छुलाएंगे, आपको वहाँ पे एक बीज मंत्र का जाप करना है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो लहसुन होता है आपको घी के दिए के पास उसको रखना है लाल कपड़े के ऊपर, और वहाँ पे माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती की आपको 2 फोटो रखनी है। उस घी के दीपक से आपको आरती उतारनी है माँ लक्ष्मी की और माँ सरस्वती की। उसके बाद आपको जो लहसुन मैंने आपको बताया है उसके पकड़ के आपको उनके पैर पे छुला के एक बीज मंत्र का प्रयोग करना है। और ये बीज मंत्र ध्यान से सुनिएगा, ये माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों के लिए है। जय जय हे सुर भारती, त्वम चरणम प्रणामा, ना तत्मयी जय वागेश्वरी, शरणम ते गच्छामा। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ, केवल और केवल आपको घी के दिए के पास जो लहसुन है उसको पकड़ के यह मंत्र बोलना है, जय जय हे सुर भारती, त्वम चरणम प्रणामा, ना तत्मयी जय वागेश्वरी, शरणम ते गच्छामा। दोस्तों जैसे ही ये मंत्र आप पूरा कर देंगे, उसके बाद जो लहसुन है उसको आपको उठा के ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे आप पैसा अपना रखते हैं। जैसे कि आप कोई अलमारी में पैसा रखते हैं तो वहाँ रख देना है, या फिर अगर आप जॉब में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो ये जो लहसुन है आपको पर्स पे रखना है और प्रत्येक दिन आपको यह अपने पास रखना है। और जैसे ये पुराना हो जाए लहसुन, फिर आपको यही प्रक्रिया अपना के अपने जीवन में पैसे की वृद्धि करनी है। हम आपसे वादा करते हैं आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं का समाप्त होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर लिखें जय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी माता की जय हो।